वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि आमिर सिद्दीकी ने जो अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो अपलोड की है और कहा, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ महीने हमारे लिए बहुत टफ थे, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे, आपकी दुआएं और आप सब हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। और तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आमिर सिद्दीकी और साइमन सेस की तरफ से जो है वीडियो आया है, तो उसी को लेकर यहाँ पर इस पोस्ट के नीचे किसी ने कॉमेंट किया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लविंग यू एंड आर रिस्पेक्टिंग यू आफ्टर साइमन सेस वीडियो, गुड लक फॉर यूर फ्यूचर। उस पर आमिर सिद्दीकी ने कहा, लव एंड रिस्पेक्ट टू सेना। और तो और किसी ने पूछा, यूट्यूब वीडियो कब आ रही है, वी आर वेटिंग। उस पर आमिर सिद्दीकी ने कहा, वेरी सून। और फिर किसी ने कहा, ब्रो व्लॉग चैनल शुरू कर लो, आप ट्रेवल भी बहुत करते हो, यू मस्ट स्टार्ट अ व्लॉग चैनल, फुल सपोर्ट। उस पर आमिर सिद्दीकी ने कहा, यस प्लानिंग टू व्लॉग बहुत जल्दी। गाइस, अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो आशीष का जो है वीडियो आया है नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जिसका टाइटल है व्हाट इफ लूडो वाज अ पर्सन। हे गाइस, सो नेटफ्लिक्स इंडिया ने मेरे साथ एक बहुत ही एपिक वीडियो बनाया लूडो पर, इफ लूडो वाज अ पर्सन। स्टोरी को स्वाइप अप करो, वीडियो देखो एंड वीडियो पे जाके सारे एसीवीएन स्पैम करो, स्पैम स्पैम करो। और तो गाइस, यहाँ पर अवेश दरबार की तरफ से भी जो है उनके यूट्यूब चैनल पर आज 12:30 बजे एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसका टाइटल है तन्हाई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अवेश दरबार ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाला पोस्टर अपलोड किए जिसमें फीचर किया गया है तुलसी कुमार को, और अपने कैप्शन में कहा, मैं बहुत टाइम से ये स्टोरी शेयर करना चाहता था, क्या आप गैस कर सकते हो ये किस बारे में है, तुलसी कुमार एक्स अवेश दरबार। और तो गाइस, इस वीडियो को जो है प्रीमियर पे रख दिया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कैसा वीडियो होगा। गाइस, अगली न्यूज आती है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। तो इस टाइम जो है वो अपने यूट्यूब पे बहुत ही हटके वीडियो लाने वाले हैं, मतलब ये कि इससे पहले ऐसा वीडियो किसी ने नहीं लाया है। तो अपनी न्यू वीडियो के बारे में अपडेट देते हुए हर्ष बेनीवाल ने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। हे गाइस, जितने लोग पूछ रहे थे वीडियो का क्या अपडेट है, कब आ रही है, क्या टॉपिक है, तो मैं कुछ बता दूं बातें कि अभी हम लगातार 2-3 दिन से मैं और मेरी टीम पूरे दिन रात लगे हुए थे, 18-18, 20-20 घंटे रोज शूट रहे थे, लगे हुए थे पागलों की तरह, और कर लिया हमने शूट। एक दिन बचा है वह शूट का, वो एक दिन रह गया है, तो वो हम परसों करेंगे जाके शूट। एंड मैं बताऊं कुछ बातें कि बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाली है। हाँ, मैं हर बार कहता हूँ ये और सब ये कहते हैं, बट ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं बना यूट्यूब में, ट्रस्ट मी नहीं बना। मैं आई वीडियो देख लेना, 28-30 मिनट तो इतनी होगी, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। गाइस, अगली न्यूज आती है शादाब खान वर्सेस मुस्कान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली 2 वीडियोस में इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बताया, अगर आप लोग ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी मैं आप लोगों को जो बताऊं आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि मुस्कान ने जो है लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है इन चारों पे, यानी कि दानिश अल्फाज, सना खान, शादाब और शालिनी। तो उसके बाद से इन चारों की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, लेकिन शादाब ने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि इन सब छोटी मोटी चीजों की वजह से मैं अपनी आगे की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप सब लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआ करी, आप सब लोगों ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी एंड आई एम फाइन नाउ। तो यार, ये सब छोटी मोटी टेंशंस की वजह से मैं अपनी आने वाले दिन तो नहीं खराब कर सकता ना, आई हैव टू बी स्ट्रांग, किसी के लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए, ऑफकोर्स शालिनी के लिए, बिकॉज उसकी और ये मेरी पहली दिवाली है। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आई हैव टू बी स्ट्रांग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने अपने आप को बहुत सी चीजों से निकाला, और इंशाल्लाह मैं सारी चीजों से बहुत जल्दी निकल भी जाऊंगा अल्लाह ने चाहा तो। सो बस यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्यार देते आए हो बस उस तरीके से प्यार देते रहो। और तो गाइस, होता कुछ ऐसा कि यहाँ पर सना खान, दानिश अल्फाज और शादाब, इन्होंने जो एक रील वीडियो अपलोड किए, जिसके बाद काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये वीडियो जो है मुस्कान के लिए बनाई गई है, यहाँ तक कि उसके कमेंट्स में जो है हेट आ रहा था, जिसके बाद सना खान ने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिए। आइए वो वीडियो देखते हैं। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। तो भाई, ये सब के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस, अगली न्यूज आती है फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। और हुआ कुछ ऐसा कि एक हैकर है, मतलब के नया हैकर है, बहुत ही शरीफ, मतलब के पूछ के हैक करने वाला सीन, और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। होता कुछ ऐसा कि उसने फ्लाइंग बीस्ट को जो है एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा ये था कि सर, नया हैकर हूँ, कुछ सही से नहीं आता, तो क्या आप प्लीज मेन चैनल की आईडी दे सकते हो, बस आईडी चाहिए, पासवर्ड मैं खुद निकाल लूंगा। सर देखो, मना मत करना, आप इतने टैलेंट को प्रमोट करते हो, मेरे टैलेंट को भी प्रमोट कर दो, थैंक यू। तो भाई, उस पर फ्लाइंग बीस्ट ने कहा, मेरा प्रणाम, स्वीकार करो प्रभु। अच्छा गाइस, मैं भी इसे सोच रहा था कि मेरे वीडियो को 50,000 लोग तो देखते ही है, सोचो कि अगर हर एक ने एक कमेंट किया और एक लाइक बटन को तोड़ दिया, मतलब कर दिया, तो कितने सारे लाइक और कमेंट्स हो जाएंगे, बाप रे। नहीं मतलब मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसा ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोग को करना हो आप लोग कर सकते हो।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। गाइज अगली और खुशखबरी आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो भाई यहाँ पर पबजी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज ने ये वाली फोटो अपलोड की है और कहा कमिंग सून, मतलब कि भाई पबजी बहुत जल्द वापस आ रहा है। और तो और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है पबजी मोबाइल इंडिया, मतलब कि भाई इसे जाहिर होता है कि ये जो है एक इंडियन वर्जन में आएगा। और तो और गाइज यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है $100 million इन्वेस्ट करने के लिए कंट्री में। साथ ही साथ पबजी कॉर्पोरेशन ने ये भी कहा है कि वो 100 से ज्यादा इम्प्लॉयज को हायर करेगी इंडिया में पबजी मोबाइल को हैंडल करने के लिए। तो भाई पबजी की इस न्यूज के बाद आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली न्यूज आती है मरुनू और अनिरुद्ध की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है टॉम क्रूज, और उस पर जो है उनको काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ तक इस सॉन्ग ने जो है कुछ ही घंटों में 1 million व्यूज क्रॉस कर लिया। ट्विटर पे भी जो है हैशटैग ट्रेंडिंग में आ गया था और ये सॉन्ग जो है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया था। और तो और मरुनू और अनिरुद्ध की तरफ से और भी कई स्पेशल चीजें आने वाली है। आ रहे हैं गाने, अभी तो रुक जाओ तुम, इतनी सारी चीजें आनी है ना। गाइस अगली न्यूज आती है टेक्निकल गुरुजी की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने जो है ये वाला वीडियो अपलोड किए गोल्ड आईफोन विनर स्कैम 2020। होता कुछ ऐसा कि टेक्निकल गुरुजी के गिव अवे का जो विनर था वो था आर्यन। तो टेक्निकल गुरुजी जो है आर्यन को फोन देने जाते हैं लेकिन आर्यन की जगह कोई और ही आ जाता है और वो अपने आप को एक तरीके से आर्यन बता रहा था। और जब ज्यादा पूछा गया तो कहता है कि मैं आर्यन का फ्रेंड हूँ। तो लाइक एक तरीके से स्कैम ही था जिसके बारे में टेक्निकल गुरुजी ने ये वाला वीडियो अपलोड किए है। अगर आप लोगों को पूरा देखना रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स बता देता हूँ। डिलीवर करने वाला हूँ गिव अवे विनर को गोल्ड आईफोन 11 प्रो मैक्स। आर्यन कहाँ पे? आर्यन सर हिमाचल पोस्टल में रहते हैं। तो आर्यन बन के बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, आपने खुद ने बताया नहीं, आपने एक बार भी नहीं बोला मुझे फोन पे कि आप आर्यन नहीं है। मैंने आपको बोला आर्यन का नंबर दो यार, वो क्या करता है? वो हिमाचल में कौन से स्कूल में पढ़ता है? आपका फ्रेंड है? ये सर फ्रेंड है। तो आपको नहीं मालूम कौन से स्कूल में पढ़ता है? मुझे पता नहीं क्यों आर्यन बन के बात कर रहे थे, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक बार भी मेरे को अभी तक भी आपने नहीं बताया यार कि आप आर्यन नहीं हो। आप यार अगर कोई विनर बनोगे तो कुछ तो वेरिफिकेशन होगा ना। उससे जब मैं गाड़ी में मिला मैंने उसको बोला हेलो आर्यन कैसे हो आप, तो बोलता है एकदम बढ़िया हूँ। उसने उस टाइम भी नहीं बोला कि मतलब सर मैं आर्यन नहीं हूँ या मेरा नाम ये नहीं है, जो भी है पता नहीं। मतलब गाइस अगली न्यूज आती है फैसू की तरफ से। तो लगता है भाई फैसू और रूही की तरफ से बहुत जल्द कुछ स्पेशल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फैसू ने ये वाली फोटो अपलोड की है और कहा अ न्यू मी कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड फॉर समथिंग ऑसम। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है। और तो और फैसू की जो है तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। गाइस अगली न्यूज आती है मोस्टली सेन की तरफ से। तो भाई मोस्टली सेन की तरफ से जो है फिल्म आने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिस मालिनी ने कहा व्हाट अ टीम, द अमेजिंग कास्ट ऑफ द फिल्म जुग जुग जियो, वरुण धवन, अनिल कपूर, नीतू, कियारा, मोस्टली सेन जेट ऑफ टू चंडीगढ़ टू स्टार्ट शूट ऑन देयर फिल्म। गाइस अगली न्यूज आती है मुंबई कर निखिल की तरफ से। तो उन्होंने जो है ये वाले व्लॉग में बाबा के ढाबे से रिलेटेड कुछ कहा है, आइए देखते हैं। एक और टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी थी, वो है बाबा का ढाबा टॉपिक। जो लोगों को नहीं पता बहुत अच्छी बात है, दूर रहो इस टॉपिक से। जो लोगों को पता है ये सब चीज से हम लोग क्या सीखने को मिलता है कि किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में कोई जजमेंट पास मत करो, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करो। और अगर आप इसको स्कैम 2020 बोलते हो तो ओह माय गॉड, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, गूगल करो, चेक करो कि क्या क्या झोल झपटे हुए हमारी कंट्री में 2020 में, तब मालूम पड़ेगा कि रियल स्कैम क्या होता है। गाइस अगली न्यूज आती है तुषार अरियांशी वर्सेस हार्दिक शर्मा की तरफ से। अब इनके बीच जो है कंट्रोवर्सी हुई है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। होता कुछ ऐसा कि अरियांशी जो है हार्दिक शर्मा की काफी अच्छी फ्रेंड थी और उसने जो है हार्दिक के नाम पे एक सिम ली थी, लेकिन बाद में जो है कुछ रीजन की वजह से हार्दिक और अरियांशी की फ्रेंडशिप टूट गई। लेकिन अब होता कुछ ऐसा है कि अरियांशी ने जो है किसी रीजन की वजह से जो सिम ली थी वो तोड़ दी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो सिम जो है उसके इंस्टाग्राम से कनेक्ट था, मतलब कि उसी से वो लॉगिन कर सकती है। अब जब पता चला कि सिम टूट गया है, अब वो लॉगिन नहीं कर सकती है, तो उसने जो है हार्दिक शर्मा को कॉल की जिससे उसकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप टूट चुकी है, और कॉल करके कहा कि प्लीज मेरी सिम में जो है हेल्प कर दो और एटलीस्ट ओटीपी दिला दो मुझे ताकि मैं वापस से लॉगिन कर पाऊं। तो उस पर हार्दिक ने कहा कि ठीक है मैं परसों के दिन कर दूंगा। लेकिन तुषार और अरियांशी ये दोनों को लगा कि हार्दिक नहीं करने वाला है, और तुषार जो है गुस्से में लाइव आ गया जिसमें उसने कुछ ये कहा। तो मैं अरियांशी हूं, मैंने कल सिम मैंने तोड़ दिया और डिसेबल कर दिया, तो वो सिम हार्दिक शर्मा के नाम से थी, हम दोनों पहले फ्रेंड्स थे काफी अच्छे, और अब हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। डिसेबल हो गया अकाउंट मुझसे, और अब वो सिम निकाल के नहीं दे रहा है, तो इसका कुछ सीन हो गया था तो इसने उस अकाउंट को डिसेबल कर दिया। हमने उस अकाउंट को चालू करने के लिए उसको कहा कि 2 मिनट जियो के शोरूम पे जाके सिम निकला दे, तो वो बंदा कह रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसकी बंदी कॉल पे बोल रही है कि बहन की ये इसको मारूंगी मैं पकड़ के, ये गंदी गंदी गालियां दे रही है एक लड़की होते हुए। रिकॉर्डिंग में ये भी है कि चंडीगढ़ में तेरे को रहने नहीं दूंगा,
प्लीज गाइस, तो अगर आप थोड़ा भी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज हेल्प करो। नहीं, उसका अकाउंट हटा दिया है, उसके लिए एक ओटीपी लगेगा। हार्दिक शर्मा नाम है उसका, ट्रांजेक्शंस वीडियो बनाता है। बोलो एक सिम निकाल के मुझे ओटीपी दे दे, बाकी मुझे से कोई मतलब नहीं है। मना कर रहा है बार बार, पहले उसने बोला कि मैं आज करवा दूंगा, फिर बोलता कल करवा दूंगा। जो कर सको, रिपोर्ट कर सको, गाली दे सको, जो कर सको जो करो, ओटीपी दे, फिर हमको तेरे से कोई मतलब ही नहीं है यार। और भाई थोड़ी देर बाद ही जो है तुषार ने ये वाली वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है हार्दिक शर्मा लाइव आए और वो काफी भड़क गए थे, तो आप लोग उनकी कुछ क्लिप्स देख लो। उन मैडम जी के पास ना, अरियांश शर्मा के पास, उस समय ना एक टाइम था पहले जब मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उस समय ना मैंने उनको सिम दी, क्योंकि वहाँ आधार कार्ड नहीं था उस समय अवेलेबल, नहीं तो मेरे सिम पे होगी। अब हमारा बिल्कुल ही कनेक्शन अट गया है, उसको मेरे से प्रॉब्लम ना, मेरे को उससे कोई लेना देना, सब उसके पास है, सिम उसके पास है, ओटीपी सब उसके पास आ रहे हैं। मतलब अरियांशी ने सिम तोड़ी अपनी गुस्से में, अब मुझे नहीं रीजन पता भाई क्यों तोड़ी। वो सिम का नंबर अब इंस्टाग्राम से कनेक्टेड था, सिम तोड़ दी है, सिम मेरे नाम पे है और आईडी कर दी डीएक्टिवेट, मेरी कहां गलती। फिर वो मेरे पास कल आई रोते रोते, रात को फोन किया 12 बजे, तो मैंने बोला देखो कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, मानने को तैयार नहीं। उनको लग रहा है कि सब बहाने दे रहा हूँ, बट मुझे पता किसी की मेहनत है भाई, खराब नहीं करनी, ठीक है। मैंने एक बार के लिए बोल रखा था चलो भाई परसों कर दूंगा, इतना बड़ा ड्रामा किया, इतना बड़ा सब किया, अब इसके बाद तुषार ने मेरी रिकॉर्डिंग सुना नहीं है, सुना दे जो करना है कर दे। देखो भाई मैंने उसको गुस्से में तो चंडीगढ़ घुस के दिखा, भाई चंडीगढ़ मेरे बाप का थोड़ी ना, घुस जाए वही, हमें फिर धमकियां दे रहे हैं, ये कर दूंगा बर्बाद कर दूंगा, और अच्छा निब्बा मुझे आके बोलेगा, मुझे धमकियां देगा। मेरे घर से चंडीगढ़ 15 किलोमीटर है, मैं जाऊं वापस लेकर आऊं ओटीपी, भाई क्यों, क्योंकि आईडी तुमने की, मैंने थोड़ी ना की। और सबसे बड़ी मेरी माँ को गाली दी, उसने मेरी भी हेल्प करी है, मैंने भी उसकी हेल्प करी है, ठीक है, बट चक्कर ये है ना, गरम खून है उड़ रहा है, जो उसके फैन पेज है सीएसी, सुन लो तुम सारे सीईओ, जो मेरे मामले में गंद बोला ना उसको जाके ठीक कर। अक्कड़ होती है ना 1.4 मिलियन 5 मिलियन की, मेरे सामने नहीं चलेगी। 17 साल का बच्चा आके मेरी माँ को गाली देगा, तुषार और अरियांशी को मैं ओटीपी दे दूंगा, इसके बाद मुझे छेड़ा भाई, फिर जो होगा फिर मुझे मत कहना। लेकिन बेटे तूने जो करा ना ये सब अच्छा नहीं करा, उसने नहीं किया मम्मा जी, हाँ। ये उसके गर्म खून वाले निब्बे ने किया, मेरी आज माँ को रुलाया ना, इसके खानदान को रुलाऊंगा मैं। तो भाई आप लोग किसके सपोर्ट में हो कमेंट्स करके जरूर बताना। बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की, तो अनिरुद्ध का इंस्टाग्राम हो गया है वेरीफाइड, नेहा के हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स, ब्यूटी खान के 4 मिलियन फॉलोअर्स, और तो और विशाल पांडे का फेसबुक पेज भी हो गया है वेरीफाइड। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप। अबे साले कि मेरी वीडियो को कम, अबे मच्छर की थी। अच्छा गाइज मैं अभी ऐसी सोच रहा था कि मेरे वीडियो को जो है साले का खोपड़ी तोड़ साले का।